Daily Bulletin is presented by KBN University, United Degree College and by SS Tegnur PU and Degree College. सबसे पहले बात करते हैं कोविड 19 के केसेस पर. 195 नए पॉजिटिव केसेस आज रजिस्टर हुए हैं, साथ ही साथ 140 डिस्चार्ज और क्योर्ड केसेस. एक नई डेथ शामिल है आज की रिपोर्ट में. SDPI ने प्रोटेस्ट किया तहसीलदार ऑफिस सामने. उन्होंने कहा कि बीजेपी स्टेट गवर्नमेंट कई सारे पेंशन्स को विथहोल्ड कर रही है. आइए देखते हैं कई सारे सीनियर सिटीजन, विडोज और हैंडीकैप पीपल के क्या मामले चल रहे हैं और SDPI इस मामले में क्या कर रहा है. SDPI पार्टी और फैशन एनजीओ के जानिब से आज जो यहाँ पे स्ट्राइक, एक प्रतिभटन, एक प्रोटेस्ट रखा गया है. इसकी वजह है कि गरीब, विधवा, हैंडीकैप और जो है कई लोगों का पेंशन यहाँ पे रुका हुआ है. पिछले 8-10 महीनों से गवर्नमेंट की तरफ से हम लाचार लोगों के लिए कोई यहाँ पे कदम नहीं देख रहे हैं हम लोग, और हम लोगों को गुमराह किया जा रहा है. ट्रेजरी ऑफिस से तहसीलदार, तहसील ऑफिस से ट्रेजरी ऑफिस को भेजा जा रहा है, जबकि हम लोग बहुत परेशान है. हैंडीकैप लोग बहुत मुश्किल में रहते हैं. हमको क्या महसूस हो रहा है, ये जो ओल्ड एज लोगों का, हैंडीकैप लोगों का जो पेंशन देना है, ये पेंशन इनको कब मिलता है? ये फिर कर मर जाएंगे. जब मरने के बाद इनकी जो अर्थी उठाना रहता उस टाइम पे ये लोग पैसे देंगे ऐसा लग रहा. तब भी अगर मिला तो इनका अच्छा है, नहीं तो इनका कोई पुरसाने हाल. कर्नाटक की गवर्नमेंट में टोटली इसका सलूशन नहीं लग रहा. कोविड 19 के चक्कर में बेवाओं के, हैंडीकैप और वीडो लोगों के पैसे लेकर खर्च कर सरकार ये काम चला रही. ये सरकार को अगर जरी सी भी शर्म है, इनको जरा सा भी गरीबों का एहसास है, ओल्ड एज का एहसास है, हैंडीकैप का एहसास है, इमीडिएट इनको पेंशन इनके अकाउंट में डालना चाहिए. ये हमारा डिमांड है. इसके बाद बात करते हैं, JDS के लीडर्स ने अपील की सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट से कि वो इमीडिएटली JEE और NEET एग्जाम्स को कैंसिल करें. तो हम जनता दल की तरफ से ये डिमांड करना चाह रहे हैं हमारे CM साहब से और मोदी साहब से डिमांड करना चाह रहे हैं कि भाई आने वाले दिनों में आप इसको कुछ भी करिए और 4-5 महीने पोस्टपोन करिए. 1800 रुपए ले लेना, 1800 रुपए बोलो तो पूरे इंडिया लेवल पे अगर इनका हिसाब करेंगे तो 270 करोड़ रुपए. तो हमारी डिमांड से आप 270 करोड़ रुपए का देख रहे मगर स्टूडेंट का नहीं देख रहे, वो भी नीट एग्जाम से. चलो भाई दूसरे एग्जाम से वो है नहीं, नीट का एग्जाम है, इनको कंपलसरी ट्रेनिंग होना, उसके बावजूद भी आप ले रहे. तो हमारी एक CM साहब से, मोदी साहब क्या तो करें थे, मोदी साहब को कोई भी नहीं बोलते. मोदी साहब खाली इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर ज्यादा देख रहे हो ना, तो यहाँ पर भी हो रहे. इंडिया के बाहर जो कंट्रीज फिर रहे हैं वहां पर फैसिलिटीज बहुत अच्छे हैं, हमारे इंडिया में उतनी फैसिलिटीज नहीं है जो स्टूडेंट को देने का है. तो हमारी साहब से रिक्वेस्ट क्या है और मोदी साहब से बोले तो आप मेडिकेयर करिए बच्चों के वास्ते, जो मेडिकल कोविड 19 के वास्ते जो क्या है मेडिकल क्लेम बनाइए, बच्चों के वास्ते मेडिकल क्लेम बनाइए. वो क्लेम क्यों बोले तो कोविड 19 के वास्ते ही, दूसरे बीमारियों के वास्ते नहीं. इस चलते हम एक और इम्पोर्टेंट खबर आपको देते हैं कि JEE नीट के चलते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला ऑलरेडी सुना चुका है, लेकिन 6 स्टेट्स ने फिर से एक रिव्यू प्ली डाली है, उसको कल सुप्रीम कोर्ट सुनने वाला है. क्या मामला वापस बच्चों के हक में आएगा या नहीं, क्या गवर्नमेंट JEE और नीट एग्जाम्स के लिए गो अहेड करे. वैसे तो JEE के एग्जाम चल रहे हैं लेकिन नीट की जो एग्जाम्स आने वाली हैं उस पर बड़ी चर्चा चल रही है. उसके बाद बात करते हैं, फेसबुक ने एक लिया बड़ा स्टेप जहां पर उन्होंने इंडियन पॉलिटिशियन यानी BJP के MLA गोशा महल के राजा सिंह को फेसबुक और इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म से बैन कर दिया. जी हां, उन्हें हेट स्पीच की वजह से राजा सिंह को बैन किया गया है फेसबुक और इंस्टाग्राम पर. कई दिन से द वॉल स्ट्रीट जर्नल इस पर वर्क कर रहा था और फेसबुक को बता रहा था कि फेसबुक की पॉलिसी हेट स्पीच को लेकर डिफरेंटली एक्ट कर रही है. उसको चलते हुए आज एक्शन लिया गया और राजा सिंह फेसबुक और इंस्टाग्राम से बैन हो गए. कोविड 19 में चलते हुए कई सारे बिजनेस पर इफेक्ट पड़ रहा है, तो किस तरह से इवेंट मैनेजमेंट, स्टेज डेकोरेटर्स और लाइटिंग वालों के जो मामले चलते आ रहे हैं उनके बिजनेस काफ़ी इफेक्ट हो चुका है, क्योंकि पब्लिक अपीयरेंस ही नहीं है तो फिर स्टेज डेकोरेटर्स और इवेंट्स का काम कहाँ से लेगा. तो आइए देखते हैं कि उन लोग का क्या क्या कहना है. जो भी हमारा मेन सीजन था मार्च, अप्रैल और मई में था, पूरे शादी के डेट्स थे, उस पर वास्तु शांति थे, बड़े बड़े शादियाँ थे, वो सब चले गए. ये ಬರಂತದಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸ ಚಾಲು ಇದೆ, ಹೋಟೆಲ್ ಚಾಲು ಆಗಿವೆ, ಬಾರ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಚಾಲು ಇದ್ದಾವೆ, ಎಲ್ಲ ಚಾಲು ಇದೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ ನನಗೆ ಅನಿಸೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ. ಏಕ್ ಸೇಕ್ ಇಸ್ಕೋ ಹಮ್ ಲೋಗ್ ಡಿಪೆಂಡೇಬಲ್ ಹೇ, ಜೈಸಾ ಕಿ ಕಾಮ್ ವಾಲೆ ಬೋಲೋ, ಟಮ್ ಟಮ್ ವಾಲೆ ಬೋಲೋ, ಜೋ ಭಿ ಹೇ ಬಾರ್ ಲೋಗೋ ಕಾ ಲೇಬರ್ ಹೇ, ವೋ ಲೋಗ್ ಏಕ್ ಕೋ ಏಕ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಹೇ ಹಮ್ ಲೋಗೋ ಸೇ, ಕಿ ಇನ್ಕಾ ಭಿ ಖರ್ಚ್ ಕರ್ನಾ, ಸಬ್ ಉನ್ಕಾ ಗುಜಾರಾ ಕರ್ನಾ, ನಿಕಲ್ನಾ ಬಹುತ್ ಮುಶ್ಕಿಲ್ ಹೋ ಗಯಾ. ತೋ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಸೇ ಯೇ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಹೇ, ಅಭಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ ತೋ ಚಲಾ ಗಯಾ ಮೇನ್ ಸೀಸನ್ ಥಾ, ನವಂಬರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮೇ ಔರ್ ಶಾದಿಯಾಂ ರಹತೇ, उसको परमिशन दीजिए, हम लोग सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके वो प्रोग्राम करके दे देते हैं आपको.
GoHaz.in को सपोर्ट करें एंड लेट्स गो फार फार यानी फास्ट एक्यूरेट रिलायबल। जी हाँ, आप बन सकते हैं हमारे मेंबर। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, उसे क्लिक करने के बाद आपको हमारे मेंबरशिप फॉर्म आएगी, जो फिलअप करने के बाद आप बन सकते हैं हमारे मेंबर। सो प्लीज डू सपोर्ट GoHaz.in एंड लेट्स गो फार। डेली बुलेटिन इज प्रेजेंटेड बाय KBN यूनिवर्सिटी यूनाइटेड डिग्री कॉलेज एंड बाय SS तेगनूर PU एंड डिग्री कॉलेज। उम्मीद करते हैं आपको हमारा डेली बुलेटिन पसंद आ रहा होगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें ताकि आपको मिले हर अपडेट वेरी क्विकली। इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो करें और ट्विटर पे भी हमें फॉलो करें GoHaz Networks पे।